नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो हम बात करेंगे आप कैसे ऑनलाइन जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस राइट इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, कैसे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के राइट इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी आईपीओ के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आईपीओ हो, राइट इश्यू हो, उसके लिए आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा। नेट बैंकिंग के द्वारा आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कि आप जो नेट बैंकिंग है किसी भी बैंक का हो, उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे SBI के नेट बैंकिंग को। आपका कोई भी नेट बैंकिंग हो, उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके द्वारा आप जान सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन कर लेना है, जो नेट बैंकिंग है। तो हमारा जो ऑनलाइन SBI है, उसमें हमने लॉगिन कर लिया है। जैसे लॉगिन करते हैं, आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें है ई सर्विस। आप किसी भी बैंक के जो नेट बैंकिंग में लॉगिन किए हैं, तो उसके ई सर्विस में जाना है। ई सर्विस में आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन है डीमैट सर्विस और ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सर्विस। तो इसी पे आपको क्लिक करना है, या आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक किया है, तो नीचे सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। इसमें जितने भी ऑप्शंस है, यहाँ पर देख सकते हैं डीमैट और ASBA, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन रहते हैं डीमैट से रिलेटेड। तो देख सकते हैं डीमैट अकाउंट और IPO से रिलेटेड। IPO में दो ऑप्शन है, एक इक्विटी का और राइट इश्यू का, दूसरा IPO डेप्ट से रिलेटेड है। तो हमें तो जाना है इक्विटी में और राइट इश्यू वाले में। तो इक्विटी और राइट इश्यू वाले में आपको क्लिक करना है, मतलब राइट इश्यू के लिए अप्लाई करना है, या इक्विटी से रिलेटेड जो भी IPO है उसके लिए। इक्विटी में IPO जो अभी रोजरी बायोटेक का आया था, उसका भी आप अप्लाई यहां से कर सकते हैं। मतलब कोई भी IPO आता है, तो आप नेट बैंकिंग द्वारा उसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां एक्सेप्ट करना है, आपको सारे टर्म्स और कंडीशन पढ़ लेना है और यहां से एक्सेप्ट करना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जो भी IPO यहां पे है, जो भी राइट इश्यू है, सारा यहां पर आ जाएगा। तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड देख सकते हैं। यहां पर एक जो राइट इश्यू है, तो राइट इश्यू भी IPO के ही तहत आता है। मतलब वो होता है जो शेयर होल्डर है उसके लिए IPO है, कि जो पहले से इसका शेयर होल्डर है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रीट IPO, ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें तो जाना है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस के राइट इश्यू के अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे गो। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं गो, आपको इस तरह के उसमें नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो ये सारे टर्म्स और कंडीशन को पढ़ना है और यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला आएगा सेलेक्ट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं। तो कैटेगरी यहाँ एक ही है, शेयर होल्डर से आप डिनाउन से हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप एग्जिटिंग शेयर होल्डर हैं, तो एग्जिटिंग शेयर होल्डर को ही राइट इश्यू के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन आ गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस, गेटवे बिल्डिंग, ये पता है कंपनी का, और इश्यू का जो ओपनिंग डेट है 28 जुलाई आज के ही दिन ये ओपन हुआ है, और 11 अगस्त तक चलेगा। मिनिमम जो बिड लगा सकते हैं एक क्वांटिटी के लिए, मतलब एक शेयर है तो एक मतलब राइट इश्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी शेयर होल्डर, यहाँ पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर कैटेगरी पहले ही हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर अपना नाम भर देना है, यहाँ पर नेम, फिर यहाँ पर पेन, फिर यहाँ पर कंफर्म पेन करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट और डिपोजिटरी, आप अपना डिपोजिटरी यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपका डिपोजिटरी कौन सा है। यहाँ पर आपको सारा डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप पहली बार IPO अप्लाई कर रहे हैं नेट बैंकिंग से, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू एड ए न्यू एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको जा कर के आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम, पेन नंबर, और जो CDSL NSDL जिसमें आपका डीमैट अकाउंट है, वो सारा डिटेल यहाँ पर जा कर के सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर सेलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्टर्ड एप्लीकेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, तो सारा डिटेल हम अपना शो नहीं कर सकते हैं आपको। यहाँ पर अपना सारा डिटेल आपको भर लेना है। डिटेल भरने के बाद यहाँ क्वांटिटी देना है, जैसे आपके पास 50 शेयर है, 50 शेयर के लिए राइट इश्यू को अप्लाई करते हैं तो 50 भरना है। यहाँ पर प्राइस तो 50 रुपीज़ है ही। अगर आपके पास शेयर 100 है तो 100 शेयर डालना है। अगर आपके पास 1000 शेयर है, लेकिन 900 शेयर के लिए आप राइट इश्यू अप्लाई करना चाहते हैं, तो 1000 शेयर है 900 शेयर के लिए करना चाहते हैं तो 900 डालेंगे। प्राइस तो यहाँ फिक्स है ही, प्राइस का कोई रेंज नहीं है, जो हम अलग अलग प्राइस पर बिड लगाएंगे। 50 शेयर ही है तो 50 शेयर यहाँ पर डाल दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कुल 45,000 हो गया। अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो आपको नीचे जाना है, तो नीचे पर यहाँ पर कंफर्म करने बोला जाएगा। चलिए कंफर्म कर देते हैं।
तो यहाँ पर बोल रहा है कि आज जो आप अप्लाई करेंगे इस आईपीओ के लिए, मतलब राइट इश्यू के लिए, वो कल 29 तारीख के लिए अप्लाई होगा। आज 28 तारीख है जबकि आज 9 बज चुका है, तो 2 बजे से पहले अप्लाई करते हैं, दिन के 2 PM तक, 2 PM तक, तो आपको उसी दिन अप्लाई हो जाता है। तो चलिए ओके पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पर क्लिक किए, यहाँ तो जो हमारे मोबाइल पर OTP भेजा गया है वो डालने बोला जा रहा है हाई सिक्योरिटी नेट बैंकिंग में, मतलब ताकि सिक्योर हो सके कि हमने ही आईपीओ के लिए अप्लाई किया है। तो चलिए हम अपना यहाँ पर डाल लेते हैं, और मैंने OTP यहाँ पर डाल दिया। OTP डालने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म क्लिक करते हैं आपका आईपीओ के लिए अप्लाई हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ आईपीओ के लिए हमारा अप्लाई हो चुका है। आप नीचे आते हैं तो देख सकते हैं पूरा ये डिटेल है, द रिटर्न टू आईपीओ पेज। अगर आपको आईपीओ पेज पर रिटर्न होना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रिटर्न टू आईपीओ पेज हम क्लिक कर देते हैं तो हम आईपीओ पेज पर रिटर्न हो गए। तो यहाँ से आप फिर चाहें तो जिसको भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस दूसरे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3-3 आईपीओ ओपन है। उसके बाद यहाँ पर आईपीओ हिस्ट्री पर जाकर के आप देख सकते हैं जो जो भी आपने अप्लाई किया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर शेड्यूल आपका हो चुका है। आईपीओ हिस्ट्री पर जाकर के आप जो भी आईपीओ अप्लाई किया उसको देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसके स्टेटस को जान सकते हैं कि आपका आईपीओ का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमारा शेड्यूल्ड है, क्योंकि ये कल अप्लाई होगा, आज हमारा ये शेड्यूल्ड कर दिया गया है। 29 अप्रैल को ये आईपीओ के लिए अप्लाई हो जाएगा, मतलब आईपीओ के लिए बिड लग जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीडर था कैसे आप राइट इश्यू के लिए, कैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले